खांसी क्यों हो रही है? तबीयत ठीक नहीं है। क्या बुखार भी है? थोड़ा बहुत, सो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? वो एलेक्स की टीम से मीटिंग की तैयारी के लिए मिलने गया है। तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, दवा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बैठो यहाँ, कुछ देर मेरे पास रहो। ये क्या है? आज तुम्हारा बर्थडे है ना? कैसे पता तुम्हें कि आज मेरी सालगिरह है? तुम भूल गए? तुमने ही तो अपनी डिटेल्स भेजी थी कि मैं उन्हें रट लूं अच्छी तरह। और मेरी सालगिरह पर तुम इतना छोटा सा केक लेकर आई हो? हाँ, वापस आते हुए मुझे देर हो गई थी ना, सारी दुकानें बंद हो गई थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे एक ऐसा बच्चा मिल गया जिसका आज ही बर्थडे था। तो तुमने उस बच्चे से उसका केक छीना और मेरे लिए लेकर? हाँ ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने छीना नहीं है, मैंने उसके लिए बर्थडे का गाना गाया तो उसने खुश होकर एक पीस मुझे दे दिया। चलो अब मेरे लिए गाना गाओ। चलो विश मांगो। गाना तो शुरू करो। ठीक है, गाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सीजन, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी ये दुआ है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या विश मांगी तुमने? क्यों बताऊं? खड़ूस इंसान। अच्छा चलो केक खाते। तुम्हें क्यों खिलाऊंगा? ये इंचेचेन मिल बांट कर खाना चाहिए ना। खाओगी? केक तो मैं ही लेकर आई हूँ। चलो खाओ। ये तुम्हारा गिफ्ट था। वापस आ गई तुम? और बताओ कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? हाँ अच्छा था। ये तुम्हारे लिए। क्या ये मेरे लिए है? ग्रीन मोमोज और साथ में हलवा तुमने बनाया? मम्मी ने बनाया है, तुमने ड्रायर दिया था ना इसलिए उन्होंने भेजा है। नहीं कोई बात नहीं, वैसे काफी अरसा हो गया इन्हें खाए हुए, उन्हें शुक्रिया कहना। इसके लिए तुम्हें उन्हें खुद ही थैंक यू कहना होगा, मैं कोई पोस्टमैन थोड़ी हूँ। वैसे बहुत लकी हो तुम, ये डिश मम्मी सबके लिए नहीं बनाती। हाँ तुम जेलस हो रही हो ना, तुम्हारे लिए नहीं बना इसलिए। हाँ मम्मी ने बहुत अरसे से मेरे लिए अपने हाथ से कुछ नहीं बनाया, इसलिए तुम चाहो तो इसमें से थोड़ा सा खिला सकते हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खा लूँ मैं। हाँ क्यों नहीं, जरूर। चलो फिर, अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया, साथ करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? यिनचेन तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैंने आंटी की छोटी सी मदद की थी, इसलिए उन्होंने जीजी के हाथ तोहफा भेजा है। घर चलो। मोजिशन बाय बाय। बाय बाय। तुम भी ना। ये सब की क्या जरूरत थी? मम्मी ने वो डिश खुद अपने हाथ से बनाकर भेजी थी, इसमें गलत क्या है? मैं मोजिजिन से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। वैसे तुम्हें ये बनाना आता है? हाँ। मैं भी खाऊंगा। तो खरीद कर खा लो, तुम्हारे हाथों के बने। ये लीजिए खाइए मेरे बॉस।
पहले कभी नहीं खाई ये डिश। पसंद आया? बेकार है। मैंने तो चखा था। अगर मैं वहां ना आता तो क्या तुम उसके साथ लंच करने चली जाती? म्यूजिशियन के साथ? हाँ शायद, क्योंकि मुझे ये डिश बहुत पसंद है, खासकर मम्मी के हाथ की। क्या हुआ, तुमने तो खाया ही नहीं। इसका स्वाद मुझे पसंद नहीं आया। चुप, खानी ही नहीं थी तो बनवाई क्यों थी? कोई और मेरे सास के हाथ के खाने खाए और मुझे तुम्हारे हाथ के खाने पड़े। हाँ? तुम अब... पागल कहीं का। हेलो, मैं हूं येन सचिन। जानता हूं मैं। मुझे काम है छोटा सा। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं क्योंकि मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्या आप इसके लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं? क्या तुम वाकई अपनी बीवी को मेरे साथ खाना खाने दे सकते हो? मैंने आंटी की छोटी सी मदद की थी, इसलिए उन्होंने जीजी के हाथ तोहफा भेजा है। लेकिन मुझे लगता है कि मिस कू इंडिपेंडेंट है, और वैसे भी मिस कू एक आज़ाद लड़की है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। शायद तुम्हें जीजी के लिए अपने प्यार पे बहुत कम यकीन है। तो ये तुम हो? जान लिया तुमने? तो क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे पास वक्त नहीं है इसका। मैं ही नियांजी हूं। नियांजी, नियांजी और जीजी। ठीक कहा तुमने। तो क्या अब भी मुझे उसके साथ डिनर करने दोगे? तो माना ही क्यों मुझसे मिलने के लिए? मजा आता है इसलिए। मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था जब तुम्हें पता चलता है कि मैं ही जीजी का आइडल हूं। जीजी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। आखिर तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं जानता हूं कि तुम जीजी की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो, और इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे जीजी हर्ट हो। ये बिजनेस की बात है, अपने काम से काम रखो।